हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो जीरोज हैं और कोफिशिएंट हैं पॉलिनोमियल के, उनके बारे में मेनली जो हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2, या फिर जो हम बोले हमारे सिलेबस में केवल जो डिस्कशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर हमने बात किया था पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल टर्म क्या होता है? AX² + BX + C, ये जनरल टर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें जो ABC हैं, ये हैं हमारे कोफिशियंट्स, ठीक है। X² का कोफिशियंट A हो गया, X² का कोफिशियंट ए हो गया, एक्स का कोफिशियंट बी, और सी है कॉन्स्टेंट। तो जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो कोफिशियंट क्या है? X² का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट बी एंड कॉन्स्टेंट सी हो गया। और जीरोज हमने देखा था, जीरोज क्या होता है? वो वैल्यू जिसका इसमें पुट करने पे आंसर इसका जीरो बनता है। एक्स की जगह क्या पुट करें कि ये पूरा कितना हो जाए, साथ में कंडीशन और है कि ए जीरो नहीं होता, ठीक है। तो हम इसमें एक्स की जगह क्या पुट करें कि पूरा जीरो हो जाए। और तीसरी चीज हमने डिस्कस की थी कि जितना डिग्री होता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उतने ही हमारे जीरोज होते हैं, एटमोस्ट जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोज कितने होंगे? दो। तो टू जीरोज हैं, हमने मान लिया हमारे वो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। दो सिंबल्स, फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकंड वन इज बीटा। ये हो गया हमारा अल्फा एंड ये बीटा, BETA। तो अल्फा एंड बीटा दो सिंबल्स हैं हमारे। तो ये क्या है? ये है, हमने डिनोट कर लिए, दीज आर जीरोज। अल्फा एंड बीटा टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था AX² + BX + C, उसके दो जीरोज अल्फा एंड बीटा। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशियंट कैसे करेंगे? अगर हमारे दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा है ना, इज इक्वल टू ये होगा -B/A, या फिर ये बोले माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ X². ये है एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है या समझना है, ठीक है। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल AX² + BX + C है, तो जो रिलेशन होगा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज मीन्स जो अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे दो जीरोज हैं उनका सम किसके बराबर होगा? माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स, यहां पे लिख देते हैं AX² + BX + C। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा होगा, वो होगा माइनस में, माइनस का साइन लगाएंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ X², तो -B/A से डिवाइड डिनोट करते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? ये होता है कॉफी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ X², और डिनोट कैसे करेंगे? C/A से। सी हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ X², दैट इज ए C/A। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया दोनों के बीच में डिनोट करने के लिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, तो सम ऑफ जीरोज का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। इनके बेसिस पे हम जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। पहले एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है X² + 7X + 10। हमको एक इसके तो जीरोज फाइंड करने हैं,
और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट। तो इसके जो हमारे जीरोज हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, मींस एक्स का वैल्यू निकालना, कौन कौन सा ऐसा एक्स का वैल्यू होगा जो इस पे सेटिस्फाई करेगा तो ये जीरो बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 7x को कैसे ब्रेक करना है, मीन्स 10 के फैक्टर्स बना लिए, 2 फाइव जा 5 वन जा, तो 2x एंड 5x में ब्रेक कर देंगे। ये 8th में 9th में किया था हमने, 2x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 10, सॉरी प्लस 10। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स बना लिए, दोनों का अगर सम करें तो 7 बनता है, दोनों का प्रोडक्ट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मीन्स 10x² बनता है। दोनों का सम 7x एंड दोनों का प्रोडक्ट 10x², ठीक है। तो उसके बाद x कॉमन फर्स्ट एंड सेकंड में से, एंड थर्ड एंड फोर्थ में से 5 कॉमन, इसके बाद इन दोनों में से x प्लस 2 x कॉमन हो गया एंड बचा x प्लस 5। तो हमारा जो x² प्लस 7x प्लस 10 था उसके फैक्टर्स कितने हो गए, x प्लस 2 एंड x प्लस 5। तो अगर हमको यहाँ से जीरोज निकालने हैं तो कब होंगे, सो x² प्लस 7x प्लस 10 इज जीरो, सो x² प्लस 7x प्लस 10 इज जीरो व्हेन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, एंड नेक्स्ट क्या होगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स का वैल्यू माइनस 2 एंड सेकेंड में हो गया एक्स का वैल्यू माइनस 5, ठीक है। ये दो जीरोज आ गए हमारे, तो जीरोज क्या हुए हमारे, माइनस 2 एंड माइनस 5। उसके बाद हमें रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, हम इसमें हमारे दो अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा माइनस 2 हो गया, बीटा माइनस 5 हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस में माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। और माइनस 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 7 अपॉन में 1, ठीक है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बाद वेरीफाई करना है माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ x². चेक कर लेते क्या ये इतना हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है। देखो माइनस इधर देखते हैं, अगर हमारा क्या दे रखा था, 7 ये था x² प्लस 7x प्लस 10। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हमारा a कितना है, दोबारा लिख के दिखा देते हैं। ये था हमारा x² प्लस 7x प्लस 10 था, तो ए कितना हो गया, जो एक्स स्क्वेयर के सामने क्या है, कुछ भी नहीं, तो मतलब 1 हो गया। तो ए तो 1 हो गया, बी कितना है, 7 है, एंड सी कितना है, 10 है। तो यही हमने बनाया था, माइनस बी अपॉन ए मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट x². तो सम ऑफ जीरोज तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज में हमने क्या किया, जो हमारे जीरोज आए थे इन दोनों को ऐड किया, सम का मतलब दोनों को ऐड किया, माइनस 7 को लिखा माइनस 7 अपॉन 1, और चेक किया कि ये माइनस का साइन माइनस एंड 7 इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, 7 जो है जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है, डिवाइड बाय जो 1 था वो कोफिशियंट ऑफ x² है। तो सम ऑफ जीरोज तो हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 10। और प्लस 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 अपॉन 1, एंड विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ x². तो यहाँ पे हमारा जो इसका रिलेशन था वो भी वेरीफाई कर दिया कि जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं वो हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जीरोज निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, x² माइनस 3, ठीक है। फैक्टर्स बनाएंगे, x² माइनस स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर,
इसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट थ्री, ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसके बाद सेम लाइन जैसे हमने ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, सो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इज जीरो व्हेन एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों हमारे कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ये जीरो होगा। तो एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट से कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, एंड सेकेंड से कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो हमारे दो आए यहाँ पे, क्या हुआ, एक तो रूट थ्री आ गए, एक माइनस रूट थ्री आ गए, दो जीरोज आ गए हमारे। उसके बाद सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना होगा, दोनों का सम रूट थ्री प्लस में माइनस रूट थ्री, कितना हो जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो आ गया। और जीरो को कितना लिख सकते हैं, 0.1, एंड माइनस में कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ऐसे नहीं लिख देना, डायरेक्ट चेक करना कि क्या ये है कोफिशियंट ऑफ एक्स या कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर नहीं है। देखिए हमारा दे रखा था एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री को हम कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री को लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 0x माइनस थ्री। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्स का टर्म नहीं दे रखा था। तो अब देखिए ए कितना है यहाँ पे, वन, बी कितना है, एक्स का जो कॉफिशियंट होता है वो बी होता है ना, तो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशियंट वन, एक्स का कॉफिशियंट जीरो, एंड कॉन्स्टेंट इज माइनस थ्री। तो क्या ये ही आया हमारा, तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स जीरो एंड कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वन, तो सम ऑफ जीरोज हमारा सेटिस्फाई हो गया। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मतलब रूट थ्री इंटू में माइनस ऑफ रूट थ्री, कितना आएगा माइनस थ्री, कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन में वन। तो ये कितना हो गया, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट सी ओ एन एस टी ए एन टी कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना था रिलेशनशिप, दोनों इक्वल आ गया, सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। सेम हम फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर सेकंड किया था, इसमें भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल आया था तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फोर। अब तक तो हमने क्या किया था, हमें क्वाड्रेटिक दे रखा था, नंबर सम ऑफ जीरोज निकाला एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है, माइनस थ्री दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, टू है। सम ऑफ जीरोज के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, माइनस बी अपॉन ए, एंड इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए सी अपॉन ए, इतना लिखा। देखिए बी ए दोनों में ए नहीं है, तो हम डिवाइड बाई वन लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस थ्री इज टू माइनस थ्री अपॉन वन, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस थ्री अपॉन वन। एंड इसको कितना लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाले को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना था, टू था हमारा, तो टू को लिख सकते हैं टू अपॉन वन। अब कंपेयर करते हैं तो देखो ए इधर भी वन है, ए इधर भी वन है, मतलब दोनों जगह ए वन है, अगर ए इक्वल आ जाता है तो सिंपल है कैलकुलेशन, अदरवाइज हम एक्सरसाइज में करेंगे जहाँ पे ए डिफरेंट आता है, इधर फोर हो जाता है इधर वन होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उस टाइप के, तब सॉल्व करेंगे। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, देखिए ए इक्वल टू वन है, ए इक्वल टू वन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग
ए इज इक्वल टू वन, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी कितना हो गया, थ्री, बी इज इक्वल टू थ्री, एंड सी कितना हो गया, सी इज इक्वल टू टू। देखिए ए तो दोनों में वन था, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू थ्री आ गया, एंड सी का कितना है, सी इज इक्वल टू टू हो गया। तो एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है। तो इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, वी गेट क्या मिलेगा, ए का वैल्यू पुट किया, ए कितना था, वन था, बी थ्री है एंड सी टू है, तो इट विल बिकम वन एक्स स्क्वेयर प्लस, बी थ्री था, थ्री एक्स प्लस टू, और इसको कितना लिख सकते हो, वन हटा देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किया, हमें सम ऑफ जीरोज दे रखा था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा था, फॉर्मूला हमें पता है, माइनस बी ओवर ए एंड सी ओवर ए, माइनस थ्री था तो माइनस थ्री अपन वन लिख दिया, एंड टू को टू अपन वन लिख दिया, कंपेयर किया ए बी सी का, तीनों का वैल्यू आ गया। हमें जनरल फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक का क्या है, क्योंकि हमने फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग बनाया था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था रिक्वायर्ड था वो हमारा आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, थैंक यू।